मैंने अपनी भाभी के लिए एक गिफ्ट सोचा था उसको वलीमे पे देने के लिए, कुछियों का एक बुके गिफ्ट। Finally we got the gift for them, Aspen and his wife. हम लोग बुरे तरीके से ट्रैफिक में फंस गए थे। Assalamualaikum, it's a third day, it's a walima, it's a reception day. तो सुबह सुबह ये हुआ कि एसएन के लॉज आए थे भाभी का नाश्ता लेकर, नाश्ता वगैरह किया, अब वो लोग सैलून जा चुके हैं रेडी शेडी होने के लिए और मैं सुबह ही तैयार हो गया। मैंने कहा नाश्ते पे चलो बैठते हैं, कुछ करते हैं गपशप। जब मैं उठा था वो तकरीबन जाने वाले थे। मैंने अपनी भाभी के लिए एक गिफ्ट सोचा था उसको वलीमे पे देने के लिए, पर थोड़ा डिफरेंट था उसकी मेरी एक मजाक था। मैं उसको ना कुची से छेड़ता था, कुची बर्तन धोने वाली, मैं उसे छेड़ता था बहुत पहले जब इंगेजमेंट चल रही थी। तो अब ये हुआ है कि मैंने उसको कुचियों का एक बुके गिफ्ट करना है। ये देखें ये मेरी है, ये अपने कपड़े इस्त्री कर रही थी बेचारी बच्ची, अच्छी बच्ची, मेरी कज़न है छोटी सी, अपने कपड़े खुद से इस्त्री करती है। उसके बाद मैंने अपनी बियर्ड को नीट करवाना है और मैंने फातिमा के लिए गिफ्ट लेना था जो कि मैंने अभी तक नहीं लिया था, लेकिन आई वॉन्टेड टू गिफ्ट हर समथिंग वेरी स्पेशल। तो अभी मेरे साथ चल रही है, चला मेरे हाथ चले आ चो, लेट्स गो। हाँ शायद इधर है, ये रही फाड़े ना, इतनी बड़ी कुछ है पकड़ है, इतनी ज्यादा क्या कह रही है, है? साथ क्या कह रहे हैं मेरे को कुचिया कुचिया चला, कुची लेके चलो। हमने फातिमा के लिए कुचियां ली हैं, किसका मैं गिफ्ट लेने आया कुचिया। तो हमने कुचियां ले ली हैं, मेरा कुचियां दिखाओ। लेकिन गुलदस्ते मेरी चीज ही आपने गिरा दी है। 10 साल बाद किसी ने हाथ भरी है कि वो हमारा बुके बना देगा, ठीक है जी। कुछियों वाला गुलदस्ता तो हमारा कुची वाला बुका हो चुका है तैयार। मेरा कैसा लग रहा है, क्यों हाँ जी कितना प्यारा लग रहा है। लो जी हूँ सही लग रहे हैं, थोड़ा वाला है देखो जी साड़ा कुचियाँ वाला गुलदस्ता। हमने अपना ये कुची वाला गुलदस्ता छुपा दिया ताकि किसी को भी पता ना चले। मेरा अच्छा तुमने भी किसी को नहीं बताना, ठीक है? ओके चलो ओके जी, पर्दा साइड पे कर दो। A few moments later हम लोग आए इधर अभी एम्पोरियम मॉल में फातिमा के लिए कुछ गिफ्ट लेने के लिए। समझ मुझे कुछ आ नहीं रहा था, चलो लेट्स गो। अच्छा मैंने इमरान भाई कह रहे हैं ये वाली ज़्यादा अच्छी है, तो खाना ज़रा वो खाला जवाब नहीं दे, ये वाला कर दे फिर आप ये वाला। One hour later तो और कितनी 10 लेनी थी, मेरे इतने पैसे लग गए दिन दो वॉचेस पे, तो कह रही है घंटा लगा के सिर्फ दो वॉचेस नहीं है। फाइनली वी गॉट द गिफ्ट फॉर द एसएन एंड हिज वाइफ। तो हम इधर आए हैं जूस पीने के लिए, चल बिहार जूस पिला दो मोसम्बी का। One eternity later वाह सारा सही लग रही है, बस सही लगती है सारा, इतना नाराज शुक्राने नहीं। देखिए जी मैं रेडी हो रहा हूँ, इमरान जी कफलिंग्स लगा रहा है, मैं आपको अपने कफलिंग्स दिखाता हूँ। दिखाएं जी इमरान साहब, ये मेरे कफलिंग्स हैं, मेरे आउटफिट के साथ जा रहे हैं, ये मेरा कोट है, ये मेरा है। दूल्हा आज भी अपनी ड्यूटियों पे आयद घर के ताले मार है, चल ऐसा। तो हम लोग बुरे तरीके से ट्रैफिक में फंस गए थे, अभी हम अल्लाह का शुक्र है निकल गए हैं, लेकिन जोहर टाउन में ना एक सिंक होल बन गया गेन। तो जी हम लोग खुद अपने वेडिंग वेन्यू पे बड़ा लेट पहुंचे थे और देख क्या होता है। तो ये मेरी दादी है माशाल्लाह, माँ है देखो मैं कैमें तो लग रहा हूँ, सारे रोक रोक के कह रहे हैं कि माशाल्लाह बहुत सोना लग रहा है। मेरी बात सुनो,
कथाई ऑन मैंने कहा सब पहले मेरा कुत्ता जलील कजन आया। अगली दफा अहमद की शादी में किसी ने आना ही नहीं है। बच्चों में आ रहे बैन द किड्स ऑन वेडिंग। क्या कह रहे हो? आई विश आई कुड बैन ऑल द किड्स। शादी में ये नहीं चल रही है। ये मासूमा बलोच है। मासूमा भी इसके 20 के सब्सक्राइबर्स हो गए। 21,000 मैं इसका फैन हूं। ट्रीट है रंग तेरा। तो एहसन का आज वलीमा है और एहसन अपने ब्याह की रोटी खा रहे हैं। दस क्या कह रही है? और उन्हें भी चले आना है पीछे। सुबह का कुछ नहीं खाया तो अब तो खाने दे। तू से मैं फातिमा नु क्या तेनू क्या है? मुझे ही वो भी कह रही है। आपको कह रही है कि उन्होंने सारा दिन का कुछ नहीं खाया, खाने दे। कुछ नहीं होता है। देखो जी रोटी है, सैलड है, स्वीट बार भी लगी है। लगातार खाई जो पाड़ी जो भरा दे ब्याह है पाड़ी जो। इट्स टाइम टू गिव हर द गिफ्ट। महंगी आई है ये बताना जरूरी तो नहीं था। क्या हाल चाल है भाई? अस्सलाम वालेकुम। अहमद भाई के और ये मेरा बुके आप फातिमा भाभी का था, मैंने बनवाया। इट्स टाइम टू गिव हर। वकार के बंदे को जाके क्या कि वीडियो कर। वांट टू कैप्चर हर रिएक्शन टू बी वेरी ऑनेस्ट। Oh my God, भी तुम्हें आता है? तो जी यहाँ पर एहसन की शादी का सीज़न होता है एंड एहसन ने गोडा फड़ाई की रस्म जो होती है हमारे पाकिस्तान में इंडियन कल्चर सब कॉन्टिनेंट का, तो वो जी किया है मेरे छोटे भाई ने, स्नेहन ने। उसको मिला है आईफोन। गुड लक फॉर मी कि मेरी भी अगली शादी का ब्लॉग आए। कब पता नहीं लेकिन गॉड ब्लेस। एहसन की यहाँ पे शादी होती है। वाइन भूला उसको खुद तो आ लेना। तो अपने शादी का पूरी गिफ्ट पकड़ के ला रहा है। एसन डिड यू लाइक माय गिफ्ट? घर में देख लिया था।